लोगों की परेशानी बताई, कोविड अस्पताल की तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं, लोगों तक दवाइयां नहीं पहुंच पाएंगी, जो लोग फंसे हुए हैं वो अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे, तो क्या इन तस्वीरों के सामने आने के बाद बीएमसी नींद से जागेगी? ये देखिए, हर साल जब भी मुंबई में बारिश होती है बीएमसी की पोल खुलती है, चाहे अगर आप बात की जाए तो कई ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं जब जिसमें कि जो बच्चे हैं उनकी जान तक चली गई है। जिस तरह से गड्ढे जो होते हैं यहाँ पर मुंबई के, उसमें जल भराव होता है और उसकी देखरेख जो है वो बीएमसी नहीं कर पाती है। तो लगातार बीएमसी दावे जरूर कर रही है, अब अलर्ट जरूर कर रही है लोगों को, जिस तरह से कल देर रात से ही जो काफ़ी तेज़ बारिश मुंबई में हुई है। और देखिए, ये फ्लाईओवर का पूरा नज़ारा है और इसके नीचे मेरे कैमरामैन अजय आपको दिखाएंगे थोड़ा और आगे आके, ये देखिए, ये पूरा थोड़ा आप थोड़ा ऊपर करके दिखाइए, देखिए ये पूरा स्लम इलाका है और इन तमाम जगहों पे जल भरा हो चुका है। जो हमारे ड्राइवर हैं, ये यहीं इसी इलाके के रहने वाले हैं, इनसे पूछते हैं, ये बताइए कि कहाँ कहाँ पे बारिश ज़्यादा, आप बता रहे घर से निकले? सर, कल से रात से बारिश चालू हो गई है और ये पूरा इलाका पूरा पानी भरा है। बीएमसी है ना, जो काम बराबर काम करती है ना, हर साल का यही मुसीबत है। आप कहाँ से आए थे सुबह? इधर मैं बांद्रा भारत नगर से आया हूँ सर। पूरा भरा हुआ है, उधर भी पूरा पानी भरा हुआ है। तो ये बिल्कुल जो यहाँ के रिहायशी, यहाँ के रहने वाले हैं, वो किस तरह से यहाँ पर इस बारिश से उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है। और ये देखिए, आगे तक मेरे कैमरा में दिखाएंगे, आगे हनुमान मंदिर है और इसके आगे तक देखिए, वहाँ तक पूरी रोड ब्लॉक हो गई है। ये देखिए, नीचे पूरी इस रोड को ब्लॉक कर दिया गया है। इक्का दुक्का गाड़ियाँ अगर फ्लाईओवर के नीचे से कहीं निकल रही है तो उन्हें भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और यहाँ पर तमाम आप देख सकते हैं, जो ऑटो हैं, बाइक हैं, सब खड़ी हुई हैं, क्योंकि बारिश इतनी है और जल भराव इतना है कि इस रोड से आवाजाही बिल्कुल मुश्किल पड़ रही है लोगों को निकलने के लिए। और यहाँ पर लोगों के घर हैं, लोग घरों से नहीं निकल पा रहे हैं, लोग अपने घरों में कैद हैं क्योंकि बारिश इतनी ज़्यादा हो गई है और यहाँ से कोई साधन नहीं है अगर उन्हें अपने काम के लिए जाना है, तो इस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालाँकि बीएमसी ने ये ज़रूर बोला है कि जो प्राइवेट दफ्तर हैं बंद रहेंगे और लोग जो बहुत ज़्यादा ज़रूरत तभी अपने घरों से बाहर निकलें, लेकिन जिस तरह से मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले 24 घंटे में तेज बारिश, ने ये तो कहा है प्राइवेट दफ्तर बंद रहेंगे, लेकिन देरी से लिया गया फैसला है क्योंकि अब जो लोग दफ्तर के लिए निकल चुके हैं वो क्या करें। और तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, कोविड अस्पताल की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ हमारे सहयोगी आनंद ने आपको बताया कि पूरे रास्ते को ब्लॉक किया गया है, जल जमाव है, लेकिन ये नायर कोविड अस्पताल है। आप देखिए, दवाइयां पानी में बह रही है, जो जरूरी सामान है, जो मशीनरी है, वो पानी में डूब चुके हैं और जो अस्पताल का स्टाफ है वो इन सामान को संजोने की कोशिश कर रहा है कि सामान को संजोया जाए, लेकिन ये स्थिति भयावह है। भयावह इसलिए है, गंभीर इसलिए है क्योंकि कुछ घंटों की बारिश के बाद ये स्थिति हुई है। रात भर बारिश होती रही है, उसके बाद ये कोविड अस्पताल का ये हाल है। अभी मुंबई में बारिश रुकी हुई है, लेकिन अगले 48 घंटे मुंबई करों के लिए भारी है, अगले 48 घंटे भारी बारिश का अनुमान है। आप समझिए कि जब 10 घंटों की बारिश के बाद ये हाल है मुंबई का, तो फिर अगर अगले 48 घंटे लगातार बारिश होती रहेगी तो फिर क्या होगा? ये बीएमसी की लापरवाही है, नाकामी है। और अब ये जरा 6 तस्वीरें आप देखिए, सायन, वर्ली, किंग्स सर्कल, कुर्ला, वडाला, ईस्टर्न एक्सप्रेसवे, हर जगह की एक ही तस्वीर है, हर जगह एक ही हाल है। पूरी मुंबई कहा जा सकता है कि डूब चुकी है पानी में, और मुंबई का इस तरीके से पानी में डूबना नया नहीं है, लेकिन हर बार बीएमसी दावे करता है कि बेहतर होगी स्थिति। क्या सिर्फ ये कहने से कि जरूरत से ज्यादा बारिश हुई है, हाई टाइड की आशंका है, जो समुद्र से सटे हुए इलाके हैं वहां पर तो पानी आएगा ही, क्या बीएमसी ये कहने से अपना पल्ला झाड़ सकती है? क्या सरकार अपनी नाकामी को छिपा सकती है? आप देखिए कि लोगों की मजबूरी देखिए, बेबसी देखिए, जो लोग निकले हैं। अब देखिए ये सेंटा क्रूज की तस्वीरें आप देखिए, लोगों के हाथों में ये सामान भी है, बाल्टियां हैं ताकि पानी की निकासी के इंतजाम नहीं है, वाटर लॉगिंग की समस्या है। ये आप देखिए, ये तस्वीरें देखिए, पूरा रास्ता पानी में डूब चुका है और ब्लॉक कर दिया है रास्ते को ब्लॉक किया है, तो लोगों के पास साधन नहीं है। अब जिन लोगों को दफ्तर पहुंचना था, अपनी मंजिल तक पहुंचना था, घर पहुंचना था, वो कैसे पहुंचेंगे? वो निकल तो चले हैं, पैदल चल रहे हैं, कब तक चलेंगे, कैसे जाएंगे, कितना समय लगेगा, कहां तक जा पाएंगे, लोगों को नहीं मालूम है। और ये पहली तस्वीर आप देखिए, ये कोविड अस्पताल की तस्वीरें हैं। आप समझिए, स्थिति को समझिए कितनी गंभीर है, कि जो अस्पताल स्टाफ है वो देखिए ऊपर टेबल के ऊपर जितना नुकसान कम हो सकता है, नुकसान को कम करने की कोशिश अस्पताल प्रशासन की तरफ से की जा रही है, ताकि जितना भी सामान है जो पानी में डूब चुका है वो तो खराब हो चुका है, ऐसे में जो दवाइयां हैं जो पानी में जा चुकी हैं वो अस्पताल के मरीजों तक कैसे पहुंचेंगी? वो अपने आप को बचा रहे हैं और कुछ घंटों की बारिश के बाद ये हाल है। कांदीवली से हमारे सहयोगी अभिषेक पांडे लाइव मौजूद हैं। अभिषेक, कांदीवली में क्या हाल है इस वक्त?
देखिए फिलहाल अभी बारिश रुकी हुई है, लेकिन जिस तरीके की तस्वीरें हैं मैं आपको दिखा रहा हूं कि ये अमूमन भर चुका था पूरी तरीके से, फिलहाल कम हुआ है। ये पूरा रास्ता जो गार्डन का है ये पूरा भर चुका है। साथ ही मैं इस गार्डन के आसपास की तस्वीर अगर दिखाऊं, यहाँ पर सटी हुई पोइसर नदी है जहाँ पर पानी काफ़ी ज़्यादा था जिसके कारण पूरा ये इलाका भर गया था, लेकिन फिलहाल एक घंटे से बारिश रिमझिम हुई है जिसके कारण यहाँ पर पानी कम हुआ है। लेकिन अमूमन यही हाल पूरे मुंबई भर का है जहाँ पर कि इस तरीके की बारिश की वजह से पूरा का पूरा मुंबई जाम हो गया था, खास करके सायन, हिंद माता, वर्ली, परेल और गांधी मार्केट सहित थाने और पालघर में इस तरीके की तस्वीरें आई। अंधेरी में जिस तरीके की तस्वीरें देखने को मिली उससे साफ है कि महज कुछ घंटों की बारिश में, खास करके महज 4 से 5 घंटे की रात की बारिश की वजह से पूरा का पूरा